अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट। रिकॉग्निशन ऑफ क्यूब्स एंड परफेक्ट स्क्वायर, कि इसकी क्या पहचान होती है परफेक्ट क्यूब्स की और क्यूब्स की। पहले हमने स्क्वायर का पढ़ा था, अब किसका पढ़ेंगे, क्यूब्स का। कहता है क्यूब्स ऑफ अ नंबर मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ थ्री टाइम। क्यूब का मतलब होता है कि जो नंबर आपका दिया होता है उसी नंबर को तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करता है। जैसे आपको एक्स दिया है तो एक्स को तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस। टू दिया है, टू को थ्री दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है आपका क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब इज़ अ नंबर डैट इज़ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाई इटसेल्फ थ्री टाइम्स। इन अदर वर्ड इट इज़ एन इंटीजर टू द थर्ड पावर ऑफ टू द एन अदर इंटीजर्स। परफेक्ट क्यूब देखिए बेटा, अब अगर कोई नंबर दिया गया है उसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे एट की, तो एट की फैक्टराइजेशन में तीन दफ़ा क्या आ रहा है, टू। तो टू कितनी दफ़ा आ रहा है, टू की पावर क्या है, थ्री। तो बेटा ये इसका क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। अब 27 की, पहले हम दो दो का पेयर बनाते थे, अब तीन तीन का पेयर बनाते हैं। अगर किसी की फैक्टराइजेशन करने के बाद तीन का पेयर बनता है तो वो उसका क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। जैसे अब एक एग्जांपल है, 1.3 का क्यूब दिया, इसको हम थ्री दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन दफ़ा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1.44 आ गया, फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया, 1.278 आ गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ नंबर विच आर परफेक्ट क्यूब। इन मैथमेटिक्स अ क्यूब रूट ऑफ अ नंबर डिनोटेड बाय एक्स बाय 1/3 पावर इज अ नंबर सच दैट ए पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। एग्जांपल ए एक्स 1/3। सिंबल ऑफ क्यूब, सिंबल ऑफ क्यूब रूट क्या होता है बेटा, जिसका परफेक्ट क्यूब बनेगा उसी का ही क्यूब रूट बनता है, जिसका परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब ये क्या होता है, स्क्वायर रूट, और यहाँ पावर जो है बाहर आ जाएगी थ्री। रिमेंबर डैट थ्री इज़ अ पार्ट ऑफ द सिंबल। आपने ये याद रखना है, ये थ्री आपने स्क्वायर रूट के साथ हमेशा लिखना है, क्योंकि ये इसके सिंबल का क्या है, पार्ट है, क्यूब के सिंबल का पार्ट है। जैसे फाइंड द क्यूब ऑफ द 125। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 5 2 10, 5 5 20, 5 5 5 1 5। अब थ्री दफ़ा क्या है, 5 5 की पावर कितनी है, 3। क्या लेना है इसका, क्यूब रूट, क्यूब रूट ले लेंगे, 3 बाहर और क्यूब रूट का सिंबल। अब क्या करेंगे बेटा, ये 3 है, जब 5 की पावर 3 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए 1/3। स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, ये वाला 3 क्या बन जाएगा, 1/3। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा इसका, परफेक्ट क्यूब। अब बेटा रिकॉग्निशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब ऑफ नंबर। क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ पॉजिटिव, कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब लेंगे तो पॉजिटिव में ही आएगा। देखिए यहाँ माइनस का कोई सिंबल नहीं है तो नेगेटिव में नहीं आएगा। आगे क्यूब ऑफ नेगेटिव इज़ नेगेटिव, इस तरह नेगेटिव का क्यूब लेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा। जिस तरह माइनस का लिया है, माइनस के सिंबल को थ्री दफ़ा, जैसे हम माइनस माइनस प्लस करते हैं और फिर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में ही आंसर आएगा। क्यूब ऑफ इवन नंबर इज़ इवन, इवन नंबर का क्यूब लेंगे तो इवन नंबर में ही आएगा। जैसे 6 भी इवन नंबर है और 216 भी इवन नंबर है। क्यूब ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर बेटा वही होते हैं जो अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं। तो देखिए अगर किसी नंबर का हम क्या ले लेंगे, ऑड नंबर का क्यूब लेंगे तो उसका आंसर भी क्यूब में आएगा। जैसे 7 भी अपने टेबल पर जाता है और 343 भी। क्यूब ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बेटा मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे, जैसे 5 × 7 का होल क्यूब है, तो अब ये क्या, इसको ऐसे अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं हम, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब। इसी तरह डिवीजन में भी हो तो होल क्यूब को हम जब खोलेंगे तो अलहदा अलहदा लिख देंगे, 5 का क्यूब और नीचे वाले के साथ भी आ जाएगा 7 का क्यूब, क्योंकि होल क्यूब का मतलब होता है ये क्यूब दोनों के साथ है। क्यूब नंबर ऑफ द परफेक्ट क्यूब्स। अब 6 का क्यूब लिया, 216 आ गया मल्टीप्लाई करने से। 4 का क्यूब लिया, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 आ गया।
तो आई होप सो 2.9 से पहले बेटा आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, जो मैंने आपको मज़ीद आसान करके समझाया है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 2.9 शुरू करेंगे, ठीक है। और ये 2.9 का सारा क्या था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। 2.8 से इसका कोई रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसको हम क्वेश्चन को मज़ीद आसान करना मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। अल्लाह हाफ़िज़। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.9, ठीक है, कि इसका क्वेश्चन है पहला, विच आर द परफेक्ट क्यूब्स। इसमें से आपने फैक्टराइजेशन करनी है, बताना है कि कौन से परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नहीं हैं। चले आइए इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 5, 12, तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसकी। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, एंड 2 1 ज़ा 2। अब बेटा हम क्या करेंगे, 5, 12 के फैक्टर लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 1 2 3 4, एक ये पेयर बन गया, ठीक है। अब बेटा हमने इसका क्यूब में पेयर बनाना है, यानी कि 3 3 का जोड़ा, 1 2 3, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर, क्योंकि ये अकेला है, फिर 2 की पावर, एक पेयर में कितनी है, 3, क्योंकि 3 की 2 मौजूद है हमारे पास, फिर क्या आ गया, 3 आगे है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 1 से नहीं लिखेंगे, जिनकी पावर 3 है उसको ब्रैकेट में लिख के 2 को, तो पावर क्या आ जाएगी, बाहर। अब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 8 की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब। तो डस मे बी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, लेकिन परफेक्ट क्यूब बन सकता है या नहीं, ये मे बी हम लिख सकते हैं, बन भी सकता है और नॉट भी। बस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1100, इसको 2 पे करके देखते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, अब देखते हैं किसके टेबल पे जाता है। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11 1 ज़ा 11, तो ये इसकी क्या होगी, फैक्टराइजेशन। तो बेटा 1100 के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 11, तो एक ये पेयर बन गया और एक ये, 2 का पावर क्या आ गई, 2, 5 की भी 2 और 11 की 1। अब बेटा इसमें कोई क्यूब मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट परफेक्ट क्यूब, तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 8 5 9, 6 8 5 9, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 9 के टेबल में डिवाइड होता है, क्या आ जाएगा, 361, फिर 19 के टेबल पे डिवाइड होता है, फिर 19 1 ज़ा 19, तो बेटा हम क्या लिख लेते हैं, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 19, तो बेटा 19 की पावर क्या आ गई, 3, यानी कि क्यूब, तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है ये। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 729, हम क्या करेंगे, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 729 किसके टेबल पे जाता है, 3 के टेबल पे, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये क्या आ गई, इसकी फैक्टराइजेशन। तो बेटा 729 के फैक्टर्स लिख लेते हैं हम, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 2, 3 का क्या आ गया, क्यूब, फिर 3 का क्यूब, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब बाहर क्या आ जाएगा, 9, तो ये क्या है हमारे पास, परफेक्ट क्यूब, क्या है, परफेक्ट क्यूब। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 1125, ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो अलग अलग इसकी क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन। 1000 की अलहदा, 2 5 ज़ा 10, 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, फिर 2 1 ज़ा 2,
टू टू ज़ा फोर, टू फाइव ज़ा टेन, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, फिर फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव एंड फाइव वन ज़ा फाइव। ठीक है, ये क्या आ गई इसकी फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट किसकी करनी है, 125 की, 5 टू ज़ा 10, 5 फाइव ज़ा 25, फिर 5 फाइव ज़ा 25, 5 वन ज़ा 5। ठीक है, तो स्टूडेंट दोनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, एक ये पेयर बन गया, एक ये एक ये, 2 की पावर 3, फिर 5 की पावर 3, फिर 5 की 3, नीचे एक ही है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा, क्यूब एंड 5। ठीक है, 10 एंड 5 की 3, तो बेटा इसका क्या बन सकता है, परफेक्ट क्यूब बन सकता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो बेटा ये परफेक्ट क्यूब बन गया और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं का, तो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, के इसके क्यूब रूट मालूम करने। इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन 729 की, 3 टू ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये क्या आ गई इसकी फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 729 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, जो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि एक ये और एक ये, 3 की पावर क्यूब, फिर 3 की पावर क्यूब। तो बेटा उसने क्या कहा, क्यूब रूट मालूम करना है। क्यूब रूट का मतलब ये सिंबल था हमारे पास 729, यानी कि 3 बाहर और फिर 3 का क्यूब और 3 का क्यूब, इसको हम क्या कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब लिख लेंगे। अब बेटा इसका क्यूब रूट ख़त्म करने क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो क्यूब हमारे पास आया है ये वाला, तो इसको 1 बाय 3 में, क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए 1 बाय 3 में इसकी पावर को कन्वर्ट कर देंगे। अब ये 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9 बचा, तो क्या आ गया इसका, ये क्यूब रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 15625, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 15625, 5 3 ज़ा 15, 1 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 फाइव ज़ा 25, फिर 5 सिक्स ज़ा 30, 5 टू ज़ा 10, 5 फाइव ज़ा 25, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 फाइव ज़ा 25, 5 टू ज़ा 10 एंड 5 फाइव ज़ा 25, फिर 5 वन ज़ा 5। ये क्या आ गई इसकी फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये एक पेयर ये दूसरा, 5 की क्यूब एंड 5 की क्यूब। हमने क्यूब रूट मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंबल लगा देंगे क्यूब रूट का। ठीक है, 3 बाहर एंड 5 की क्यूब, 5 की क्यूब, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब था इसका, तो 1 बाय 3 में ये क्या आ जाएगा कन्वर्ट, 3 3 से कैंसिल, क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 13824, इसकी फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। 13824, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 80, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर किस पे जाएगा ये 3 पे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो बेटा हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं सारे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
टू, फिर टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, फिर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो अब इसके पेयर बना लेते हैं तीन तीन के, हर पेयर में तीन तीन एलिमेंट्स आ जाए, बन गए। अब हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट मालूम करना है, 1, 3, 8, 2, 4। तो बेटा क्या आ जाएगा, क्यूब बाहर, एक ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्या आ जाएगा, क्यूब। अब बेटा क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो क्यूब है 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा और अंदर वाले क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 1.4 दिया, इसका क्यूब निकालना है। क्या करेंगे, 1.4 का क्या ले लेंगे, क्यूब, यानी कि इसी नंबर को खुद से 3 दफ़ा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, 2.744। अब क्या है, 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.4, इसका भी हम क्या ले लेंगे, क्यूब। तो 0.4 0.4 एंड 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, 0.064। आगे है बेटा 0.8 0.8 का क्या ले लेंगे, क्यूब। इसको 3 मरतबा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, 0.8 को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.512। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बेटा उन्होंने हमें क्या कहा, फाइंड द क्यूब रूट्स। पहला क्वेश्चन दिया 27 2 16, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, अलहदा अलहदा फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब दूसरे वाले के कर लेते हैं बेटा, जो क्या है हमारे पास, 216, 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये आ गया हमारी फैक्टराइजेशन। तो बेटा यहाँ से हम क्या करने लगे हैं, फैक्टराइजेशन, 27 के एलिमेंट लिखेंगे, फिर 216 के, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये एक पेयर बन गया, ये और ये, क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब, नीचे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। तो बेटा हमने इसका क्या लेना था, क्यूब रूट, क्यूब रूट ले लेते हैं पूरे का, ऊपर भी क्या आ जाएगा, क्यूब रूट, नीचे भी क्यूब रूट। अब बेटा हमने क्या करना है, क्यूब रूट को कैंसिल करना है। मैंने आपको बताया था बेटा क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, 3 का क्यूब 1/3 बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 की क्यूब 1/3, फिर 3 का क्यूब 1/3, ये भी इससे कैंसिल हो गया, ऊपर 3 नीचे 2 और 3, तो ये क्या आ जाएगा, 3/6, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में ही हमने आंसर लाना है। ये आ गया हमारा आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 5 9 3 7, तो इसकी हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन। 3 5 9 3 7, ये 3 के टेबल पे जाता है, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21, एंड 3 9 ज़ा 27, फिर 3 के टेबल पे जाता है, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 के टेबल में, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर 11 के टेबल में, 121, फिर 11 11, एंड 11 1 ज़ा 11। ये क्या आ गई हमारी फैक्टराइजेशन। तो बेटा इसके हम क्या लिख लेंगे, फैक्टर्स लिख लेंगे, जो है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो एक ये पेयर, एक ये क्या आ जाएगा, 3 की क्यूब 11 की क्यूब, क्यूब रूट में लाना है हमने, क्यूब रूट में ले आते हैं, 9 3 7, क्यूब रूट 3 बाहर, 3 की क्यूब 11 की पावर क्यूब, 3 क्यूब एंड 11 क्यूब। तो क्यूब जब ख़त्म करेंगे, क्यूब रूट, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया 11 से, तो क्या आ जाएगा, 33।
तो बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास 3375, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 3375, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गिवन है, तो बेटा इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 3 1 3 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, फिर 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, एंड 5 1 5, ये इसकी होगी फुली फैक्टराइजेशन। क्या ले लेंगे बेटा, इसका क्यूब रूट ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बना देंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5, 3 की क्यूब, ठीक है, और एक क्या आ जाएगा, 5 की क्यूब। तो बेटा क्यूब रूट ख़त्म करना है, हम क्या करेंगे, 1/3 एंड 1/3, 3 3 से कैंसिल, 3 5 क्या आ गया 15। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो बेटा ये थी एक्सरसाइज 2.9, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।